हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सेंसर्स के बारे में जानेंगे। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, रोबोटिक शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया और खत्म किया बिना सेंसर्स को जाने, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो भैया सेंसर्स के बारे में जानते हैं। पहला सेंसर लिया है कॉन्टैक्ट सेंसर। अब ये कॉन्टैक्ट सेंसर क्या है, नाम में सब कुछ है भैया कि जब भी दो सर्फेस का कॉन्टैक्ट होता है उस कॉन्टैक्ट से जनरेट होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो कम हो या ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, डिटेल्ड ना हो या फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो रोबोट के पास जाती है एंड बेस्ड ऑन दैट रोबोट कुछ कंक्लूजन्स निकालता है कि हाँ भैया कांटेक्ट हुआ है या नहीं, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन मैंने बोला कि थोड़ी कम भी हो सकती है या डिटेल्ड हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन कम इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट हुआ है इसके बारे में अगर थोड़ी सी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वॉन्ट वेरी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट, तो आप बढ़ सकते हो बम्पर की तरफ। बम्पर और टेक्टाइल ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं आपके कॉन्टैक्ट सेंसर्स के। सो व्हेन यू वांट अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट यू मूव फॉर बम्पर, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, बढ़िया तरीके से सारा इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड विद द कॉन्टैक्ट, तो आप टेक्टाइल की तरफ बढ़ो। बम्पर क्या करता है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बम्पर ये एक सिनेरियो कंसिडर कीजिए, आपका ये रोबोट आर्म है, यहाँ पे सेंसर है, ये सरफेस है, तो होगा क्या कि जब भी ये इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा ये सिर्फ आपको दो जवाब देगा, पॉसिबल दो जवाब देगा, क्या एक तो यस या फिर नो। यस मतलब क्या, हाँ भैया इसका कॉन्टैक्ट हुआ है, ये सेंसर आपको बताएगा, ये रोबोट को बताएगा कि हाँ भैया ये हुआ है, कॉन्टैक्ट इज देयर, तो यस बोलेगा, अगर नहीं हुआ होगा तो नो बोलेगा। इसके आगे की कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करता, कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ बोलता है कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ये पूरे कंप्यूटेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कम है, ये सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है फ्रॉम दिस सेंसर इट इज वेरी लेस। लेकिन अगर मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना है, अगर मुझे चाहिए उस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भैया टेक्टाइल यूज करो ना, किसने रोका, टेक्टाइल यूज करो। ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्लीमेंटेशन में भी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फॉर्मेटिव, यही कंसिडर करो, सिर्फ ये सेंसर टेक्टाइल ले लो और जब ये रोबोटिक आर्म आपका सरफेस के साथ टकराएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, तो ये आपको सब कुछ बताएगा, उस सरफेस के बारे में बताएगा कि कितना टफ है, कितना हार्ड है, किस इंटेंसिटी के साथ आपका जो रोबोट आर्म था वो कॉन्टैक्ट में आया विद दिस सर्फेस, क्या इंटेंसिटी थी, क्या वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी थी या लो इंटेंसिटी थी, किस डायरेक्शन से आर्म ने कॉन्टैक्ट किया है विद दिस सर्फेस, क्या वो डायरेक्शन ऐसी थी जो कि आर्म को हार्म करेगी, आपको हार्म करेगी, क्या ऐसी वो डायरेक्शन थी, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वो देता है, वेरी स्पेसिफिक। यस इट इज वेरी वेरी मच स्पेसिफिक, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही जनरल नेचर दिखेगा, कॉन्टैक्ट हुआ है, हाँ हुआ है, अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, सो दिस इज अ वेरी जनरल वर्ड। लेकिन ये आपको स्पेसिफिक क्या बताता है कि अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या, मे बी उस कॉन्टैक्ट से आपका जो आर्म है, आपका मतलब रोबोट का जो आर्म है, मे बी वो डैमेज हुआ होगा, उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही होगी, तो ये जो रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, दिस इज नथिंग बट द एक्शन दैट यू हैव टू टेक बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टेक्टाइल सेंसर्स, इट हेल्प इन टेकिंग द एक्शन। कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या एक्शन लेना है उसमें भी भाई अपना मदद कर रहा है टेक्टाइल सेंसर्स। सो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए बने हुए हैं, एक तरीके से ये ब्रीफ में बने हुए हैं, बराबर, मतलब कम से कम इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आपका कॉन्टैक्ट सेंसर्स का पूरा जो पार्ट है ये मैंने इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आपके किसी काम आ गया होगा, मैंने आपकी मदद कर दी होगी एग्जाम में, तो मेरी भी थोड़ी मदद कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो सारे दोस्तों के साथ अपने, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, नहीं किया होगा कर दीजिए, चैनल का नाम है 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।